धनिया हम सभी अपने किचन गार्डन में उगाना चाहते हैं, और धनिया को उगाने का एक जो सबसे आसान तरीका है पानी में उगाना, हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि धनिया को आप काफ़ी आसानी से पानी में कैसे उगा सकते हैं बिना मिट्टी, बिना गमले की चिंता करे हुए, और साथ ही क्या फ़ायदा है पानी में उगाने का, और तीसरी बात वो क्या कंडीशन है जिसमें धनिया पानी में उग नहीं पाता। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करनी है आपको धनिया के बीजों से। बीज आप अच्छे जर्मिनेशन के लिए बीज भंडार से ले सकते हैं या फिर किराने की दुकान से भी ले सकते हैं। और अब बीजों को देना है प्रेसर ट्रीटमेंट। क्या करना है ना, बस आपको हल्के हाथों से बीजों को दबाना है। उससे क्या होगा, एक बीज दो भाग में बट जाएंगे और इससे आपके बीज अच्छे से उगेंगे। गाइस, अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं ना तो भी इस प्रोसेस को आप ज़रूर करिए। ध्यान रखिएगा, बीज बस दो भाग में बट जाएं, उन्हें पूरा पीसना नहीं है। लास्ट में आपको कुछ पूरे पूरे बीज भी मिलेंगे मिक्सर में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। बीज हमारे तैयार हैं। अब लेना है एक बर्तन, और ये बर्तन पारदर्शी नहीं होना चाहिए। इसमें हम भर देंगे पानी, और इसके ऊपर हमें रखना है एक जालीदार बास्केट। गाइस, अगर आप प्रकृति's गार्डन के साथ बहुत पहले से बने हुए हैं तो आपको याद होगा हमने पिछले साल भी चना और धनिया को हाइड्रोपोनिकली ग्रो किया था, और धनिया हमने इसी बास्केट में लगाया था। बास्केट रीयूज कर रही मैं। अब इस जालीदार बास्केट पे हम स्प्लिट करे हुए बीजों को छींट देंगे। गाइस, यहाँ पे है एक खास ट्रिक, सारे बीजों को एक ही बार में मत छींटिए, तीन बार में छींटिए 5 या 6 दिन के इंटरवल पे। इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग लॉट में धनिया हार्वेस्ट करने को मिलेगा। देखिए, मैंने अगले दो बार के लिए 20 बचा लिए। बर्तन में थोड़ा और पानी डाल देते हैं जिससे कि बीज जो है वो पानी के संपर्क में रहें। बीजों को आपको कभी सूखने नहीं देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ध्यान नहीं रख पाएंगे तो आप टिश्यू पेपर बिछा सकते हैं बीजों के ऊपर, जो कि गीला रहेगा लंबे समय तक, या फिर आप कोई गीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। अब इस पूरे सेटअप को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे अच्छी रोशनी आती हो। ठंडी के मौसम में अगर डायरेक्ट धूप भी पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मी में अगर आप हाइड्रोपोनिकली धनिया ग्रो कर रहे हैं, जो कि आप कर सकते हैं, उस केस में आपको तेज़ धूप से इस सेटअप को बचाना होगा। 7 से 10 दिन में बीज उगने लगते हैं। यह है आपके सामने लगाने के 12 दिन बाद का रिजल्ट। गाइस, मैंने बीजों के ऊपर टिश्यू पेपर रख दिया था जिससे कि बीज लंबे समय तक मॉइस्ट रहें। जब बीज उगने लगें तो आप टिश्यू पेपर या तो हटा लीजिए या फिर आप उसी में रहने दीजिए, लेकिन हाथ से थोड़ा सा उसे रब कर दीजिए जिससे कि वो फट जाए और पौधा अच्छे से ऊपर आ सके। गाइस, ये रहा आपके सामने लगाने के 25 दिन बाद का रिजल्ट। जो बीज हमने फर्स्ट लॉट में लगाए थे ना, उसमें तो ट्रू लीव्स भी आ गए हैं। सेकेंड और थर्ड लॉट वाले भी जर्मिनेट हो गए हैं और अच्छे से बढ़ रहे हैं। चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ फर्स्ट हार्वेस्टिंग के वक्त। धनिया का पौधा फर्स्ट हार्वेस्टिंग 40 से 50 दिन में दे देता है। ये है आपके सामने लगाने के 45-46 दिन बाद का रिजल्ट, और आप देख सकते हैं पौधा काफ़ी हेल्दी ग्रो हो रहा है और इसका जड़ भी काफ़ी खूबसूरत है। गाइस, अभी आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप हाइड्रोपोनिकली धनिया उगाने में इसमें खाद नहीं डालना होता। खाद डालना होता है, और इसमें या तो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना होगा या तो फिर कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र जो कि पानी में सॉल्यूबल हो। मार्केट में हाइड्रोपोनिक फर्टिलाइज़र के कई सारे ऑप्शन हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, उनके लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ 30-10-10 NPK रेशियो वाला सॉलिड वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र। इसमें एडेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, और इसलिए मुझे कुछ और मिक्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर 15 दिन में आपको पानी चेंज करना है, और पानी में 1/4 टीस्पून आपको ये फर्टिलाइज़र डाल देना है। और इस फर्टिलाइज़र को आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कैटेगरी में मत रखिएगा, क्योंकि ये मिनरल बेस्ड फर्टिलाइज़र हैं, मतलब वही सारे न्यूट्रिएंट्स
पानी में डालेगा जो कि प्लांट अब्सॉर्ब करके ग्रो होंगे। है ना आसान पानी में धनिये के पौधे को उगाना। चलिए अब मैं अपना पहला हार्वेस्ट ले लेती हूँ और अब रेगुलरली 6 से 7 दिन में मुझे तो धनिये के पत्ते मिलते रहेंगे। अब मैं आपको बता दूँ किस कंडीशन में आप धनिये के पौधे को पानी में नहीं उगा सकते। अगर आपकी तरफ के पानी का TDS बहुत ज़्यादा हो, मतलब 400 से ज़्यादा हो, तो उस केस में धनिये के बीज, धनिये के पौधे पानी में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। और साथ ही अगर आपके तरफ के पानी में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, हार्ड वाटर हो, तो उस केस में भी बहुत दिक्कत आती है धनिये के पौधे को पानी में उगाना। लेकिन अगर आप चाहें तो RO के वाटर में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर रहेगा कि आप कोकोपीट या फिर नॉर्मल मिट्टी में धनिये के पौधे को उगा लें। और इस पे मेरा डिटेल वीडियो भी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं सारे ही रिलेटेड वीडियोस की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। हार्वेस्टिंग का भी एक ट्रिक है, मैंने सिर्फ ऊपर के जो पत्ते ग्रो हुए थे उन्हें काटे हैं, नीचे के छोटे पत्तों को छोड़ दिए हैं जो अब 6-7 दिन में फिर से रीग्रो हो जाएंगे सेकेंड हार्वेस्ट के लिए। ये था धनिये को पानी में ग्रो करने का पूरा प्रोसेस। इस मेथड के फायदे की बात करें तो सबसे पहला फायदा है इसमें मिट्टी का कोई लफड़ा नहीं है। अगर आपके किचन की खिड़की पे भी बहुत अच्छे से रोशनी आती है ना, तो वहाँ पे भी आप पानी में आराम से धनिया उगा सकते हैं और किचन में यूज़ कर सकते हैं साथ ही साथ। दूसरा है इसमें खरपतवार का कोई झंझट नहीं। अगर आप मिट्टी में लगाएंगे ना तो कुछ ना कुछ खरपतवार वीड्स निकल ही आते हैं जिन्हें आपको टाइमली हटाना होगा, नहीं तो आप जब भी धनिया हार्वेस्ट करेंगे उसके साथ वीड भी आपके किचन में आ जाएंगे। धनिया और चना, इन दोनों को आप काफ़ी आसानी से इस मेथड से ग्रो कर सकते हैं। ज़रूर करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ लिखिएगा। गाइज आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, मदर नेचर का। और हाँ, प्रकृति इस गार्डन के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति इस गार्डन साइनिंग ऑफ।